हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकंड की इंग्लिश एनसीईआरटी मारी गोल्ड बुक से यूनिट 5 में फ़नी बनी। और आज हम इस वीडियो में फ़नी बनी के हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही वर्ड मीनिंग भी। तो उससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की जो स्टोरी है, इस स्टोरी में एक खरगोश है जो नादान खरगोश है, समझदार नहीं है। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसके सिर पर एक फल आकर गिरा और वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसने सोचा कि आसमान टूटकर नीचे गिर रहा है। तो ये इस तरीके से डर गया तो उसने क्या सोचा कि ये जो सारी बात है मैं राजा को बताऊँगा। स्टोरी में सारी बातें होती। तो चलो स्टार्ट करते अपनी स्टोरी और साथ ही हम वर्ड मीनिंग भी करेंगे। फ़नी बनी, फ़नी बनी खरगोश का नाम है इस स्टोरी के। ओके, फर्स्ट लाइन देखिए। वन डे अ नट फेल ऑन फ़नी बनी। एक दिन फ़नी बनी के ऊपर एक अखरोट गिरा। नट यानी अखरोट, फेल यानी गिरा। तो फ़नी बनी के सिर पर एक दिन अखरोट गिरा। आउच, द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, सैड द फ़नी बनी। जब उसके सिर पर वो अखरोट गिरा तो उसे दर्द हुआ था, उसने आउच करके आवाज़ की। और फिर क्या कहता है कि जो आसमान है वो गिरने वाला है। तो इस बात को फ़नी बनी ने सोचा कि मुझे इस बारे में राजा को बताना ही चाहिए। ऑन द वे ही मेट हैनी पैनी, द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, सैड फ़नी बनी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग। तो यहाँ पे जो हैनी पैनी है वो एक मुर्गी का नाम है, ठीक है, मुर्गी यहाँ पे है हैनी पैनी। तो रास्ते में जब जा रहा था फ़नी बनी यानी खरगोश हमारा, जब जा रहा था रास्ते में तो उसे हैनी पैनी मिली और उसे क्या कहता है कि आसमान गिरने वाला है और ये जो बात है मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू, सैड हैनी पैनी। हैनी पैनी ने कहा कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वे दोनों राजा को ढूंढने के लिए निकले। सून दे मेट कॉकी लॉकी, द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, सैड फ़नी बनी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग। तो जब वे दोनों यानी कि खरगोश और जब मुर्गी जा रहे थे तो वे दोनों को रास्ते में कॉकी लॉकी मिला। कॉकी लॉकी कौन है यहाँ पे, ये मुर्गा है, ठीक है, कॉक है, इसलिए इसका नाम है कॉकी लॉकी। तो कॉकी लॉकी से कहता है फ़नी बनी कि मैं जा रहा हूँ राजा को ये बताने कि आसमान गिरने वाला है। आई विल कम टू, सैड कॉकी लॉकी, एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग। तो कॉकी लॉकी भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और फिर ये तीनों मिल करके राजा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब तीन कौन हो गए यहाँ पे, फ़नी बनी, हैनी पैनी और कॉकी लॉकी, ठीक है। ऑन द वे दे मेट लकी डकी, द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, सैड फ़नी बनी। तो जब ये तीनों रास्ते में जा रहे थे तो इन्हें रास्ते में लकी डकी मिली और यहाँ पे जो फ़नी बनी है वो क्या कहता है लकी डकी से कि आसमान गिरने वाला है और ये बात मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लकी डकी वो क्या कहती हैं, आई विल कम टू, सैट लकी डकी, तो हम भी साथ में चलेंगे, ऐसा लकी डकी ने कहा। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वे सब मिलकर के राजा को ढूंढने निकले। ऑन द वे दे मेट पुशी गुशी, द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, सैट फ़नी बनी। तो रास्ते में जब ये सब मिलकर जा रहे थे तो रास्ते में से पुशी गुशी मिले, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ़नी बनी है वो क्या कहता है कि आसमान गिरने वाला है, द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, सैट फ़नी बनी, खरगोश ने कहा कि आसमान गिरने वाला है और ये बात मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, आई विल कम टू, सैट पुशी गुशी। तो यहाँ पे जो पुशी गुशी है उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, फिर ये सब मिल करके राजा को ढूंढने निकले। ऑन द वे दे मेट वॉक्सी फॉक्सी, जब ये सब रास्ते में मिलकर जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें वॉक्सी फॉक्सी मिला। द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, दे ऑल सैड, वी आर गोइंग टू टेल द किंग, द किंग लिव्स हियर, सैड वॉक्सी फॉक्सी, फॉलो मी। तो सब ने मिलकर कहा यहाँ पे कि आसमान गिरने वाला है और हम सब राजा को ये बात बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो वॉक्सी फॉक्सी है उसने कहा कि राजा यहाँ रहता है, ठीक है, ये बात वॉक्सी फॉक्सी ने कहा कि राजा यहाँ रहता है और मेरे पीछे चलो,
मेरे पीछे आओ, फॉलो मी. एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी, हैनी पैनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पुसी गुस्सी. ये सब जो हैं राजा को ये सारी बात बताने के लिए वॉक्सी फॉक्सी के पीछे चले जाते हैं. और इसके साथ ही फनी बनी, हैनी पैनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी और पुसी गुस्सी का यहाँ पे अंत हो गया. यानी अंत हो गया का मतलब है जो वॉक्सी फॉक्सी है वो सबको खा जाता है. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो वॉक्सी फॉक्सी है ये कहता है कि इस तरफ राजा का महल है या राजा इस तरफ रहते हैं और इस तरफ से वो बता रहा है सबको, इन सभी को. और आप देख सकते हैं जो वॉक्सी फॉक्सी है इसके मुंह से लार टपक रही है, यानी इन सब को ये अपना खाना बनाने वाला है. ठीक है,